तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रचित बाजपेयी व्लॉग्स। तो गाइस, आज है 19 ऑफ जनवरी 2022। और गाइस, हम मेरा लास्ट व्लॉग शायद आया था टू ऑफ जनवरी 2022 या फिर थ्री को आया था, हमको याद नहीं है। मेरा हर बार की तरह ये व्लॉग भी बहुत देर आ रही गाइस। हम इस वजह से हमको इतना लेट हो जाता है क्योंकि यार हमको कंटेंट नहीं समझ में आता है, अभी नया नया चालू किया तो इस वजह से हमें देर हो जाती। बट गाइस, अब मुझे कंटेंट मिले चाहे ना मिले, बट हमने 7 दिन के लिए 7 दिन डेली व्लॉगिंग हम क्या बोलते करेंगे। आज 19 से लेके 7 दिन तक हम क्या बोलते डेली व्लॉगिंग करेंगे। और गाइस, आज क्या बोलते हैं, ये आपके लिए बहुत मस्त व्लॉग हो सकता है, नहीं भी हो सकता। गाइस, आज मेरे भाई, मतलब आज कह रहे हैं कल मेरे भाई का 20 ऑफ जनवरी 2022 उनका बर्थडे है। और गाइस, आज उनको हम बहुत ज़्यादा अलग तरीके से बर्थडे, अलग तो नहीं कह सकते बट उनको क्या बोलते विश करेंगे। तो गाइस, आज हम बस यही कैप्चर होएगा, हो सकता है जो मेरा ये व्लॉग है कल उनका बर्थडे सेलिब्रेशन अलग होगा, आज रात के 12 बजे जो हम करेंगे वो अलग होगा। तो गाइस, आप वीडियो को क्या बोलते लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि गाइस हमको आप बहुत अच्छा लाइक शेयर सब्सक्राइब सब्सक्राइबर बहुत हमें अच्छे मिल रहे हैं इस वजह से। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। और तो चलिए चलते हैं, अब हमको थोड़ा सा अपने घर का मतलब काम वाम करना है, मतलब रूम मेरे जो हैं यहाँ पे ये देखिए सब खराब पड़ा है, हम इसको पूरा सही, अब इसको हम पूरा मतलब ढंग से कर देंगे, फिर हम आपसे मिलते हैं। तब तक ये वीडियो अब हम फास्ट फॉरवर्ड में कर देंगे, इधर सामने ट्राईपॉड रख के तो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लगेगा अगर फास्ट फॉरवर्ड करने का, ऐसे तो टाइम लगने का है बट ऐसे करेंगे तो फास्ट फॉरवर्ड में आप लोग समझ में आ जाएंगे। तो चलिए हम अपना काम करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं हम सेम टाइम। आपको बताया था हम काम करके मिलते हैं, बट हम काम करने के बाद मिलने पर एक्चुअली हमको थोड़ा सा काम था, हमको गुमटी तक जाना था, यहाँ पे हम जानते हो आप कानपुर में रहते हैं, बट अब हम लोग बैलू लेने जा रहे हैं। मेरा भाई मेरे साथ आ चुका है, श्रेयांश वाजपेयी, हम लोग भाई के लिए अब बैलू लेने के लिए जा रहे हैं दुकान पे। मेरे पास एक्चुअली 2 पैकेट रखे हैं बट उसमें लग रहा होएगा नहीं, मम्मी कह रही और खरीद ला जाके। तो मस्त है, आज रात के 12 बजे दादा खतरनाक वाला हम सरप्राइज। अरे भाई मेरे बोलना, हाँ तो हम कह रहे थे आज रात के 12 बजे भाई को एकदम खतरनाक वाला सरप्राइज देंगे। और आप चलिए देखते हैं, हम आपसे सीधे दुकान पे मिलते हैं, क्या करेंगे रोड पे बना के। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस, हम अपने घर पे आ चुके हैं, हमने आपसे कहा था कि हम दुकान पे मिलेंगे बट हम वहाँ पे भूल गए कि हमें क्या बोलते ब्लॉग भी बनाना है। अब हम घर की गली में जब आ गए तब याद आया हमें, तो चलो घर पे चलेंगे तो बता देंगे, आप लोग तो जान जाओगे। हम आपको बैलून ले, बैलून अंदर है, भाई ने भाई अभी छत पे गया कुछ काम से, तो हम आपको बैलून दिखाते हैं, हमने छुपा दिया है बैलून तो अभी अंदर, भाई अभी ऊपर गया, उसको अभी बिल्कुल आइडिया नहीं है कि क्या हो रहा। बट गाइस पता, मुझे केक की टेंशन है, मेरे पास मेरे 200 रुपीज़ मैंने छोड़े थे वो थे बस, तो मैंने उसके ये पैकेट ऑफ बैलून लिया और भी इसके अंदर है। अब हम केक का क्या सोच रहे हैं, केक का क्या देखते हैं गाइस, ना ऐसे ही उनको सरप्राइज करेंगे हैं वरना 10-10 रुपये वाला ओरियो 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 ले आएंगे, ओरियो का 10-10 रुपये वाला केक छोटा उसी से है। छोटा इतना उससे बना लें पुद्दू सा बनेगा। तो चलिए अब हम लोग बैलून फुलाते हैं, टाइम लग जाएगा बैलून फुलाते फुलाते, हम लोग की सांसें भरने लगेंगी तो इस वजह से मेरे पास एक वो मशीन है तरीके से, हाँ मतलब मैनुअल वाली, उसको ऐसे ऐसे करना पड़ता है। तो हम अपने यहाँ रूम पर नहीं करेंगे, ऊपर भाभी रहती है मेरी, उनके रूम में जाके करेंगे, वरना दादा को शक हो जाएगा, शक उनका बहुत ज़्यादा
एक सिक्स सेंस है उनके पास, उनको पता चल जाता है जाने कैसे, बट अभी उनको पता नहीं चल रहा। अभी हम रोड में बैलून लेने जा रहे थे, वो पीछे से आ गए। इन सब उससे कहाँ जा रहे हो, कहने लगा सामान लेने जा रहा हूँ। नहीं नहीं ये देखो ये बदलने जा रहा नमकीन, वरना ये मेरा भांडा फोड़ देंगे। ये श्रेयस वाजपेयी है, इनके ऊपर कभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अब हम लोग आपसे सीधे भाभी के रूम में मिलते हैं चल के, कोई है नहीं तो लेट्स गो। तो गाइस हम लोग भाभी के आ चुके हैं, और एक बार फिर से हम वीडियो बनाना भूल चुके हैं, और अब हम बना रहे हैं, और इतने बैलून फूल चुके हैं। और ये देखो श्रेयांश मशीन से बैलून फुलाए जा रहा। तो अब हम आपके इधर ही कैमरा रख देंगे, आप लोग फास्ट फॉरवर्ड में देखते रहो। अब जब हम लोग अब डेकोरेशन करेंगे तब आपसे सीधे मिलते हैं। क्या कर सकते हैं, भूल गए तो भूल गए। तो गाइस बैलून हद से ज़्यादा फूल चुके हैं, और यहाँ हालत भी खस्ता हो चुकी है। एक पैकेट और बचा, एक पैकेट रहने देते हैं क्योंकि बैलून बहुत सारे हो चुके हैं। यहाँ पे सारे के सारे बैलून हैं, ये और ये नहीं, आपने दिखाया ही नहीं ठीक से। हाँ तुम दिखा दो, ये सारे के सारे बैलून हैं। देखिए अभी एक पैकेट और है इतने, ये सिर्फ दो पैकेट का हाल है। और श्रेयांश तुम बताओ सब बढ़िया? श्रेयांश इससे बुला रहा, ये मशीन भी हम लोग की टूट चुकी है। ये देखिए ये इसका फुलाते फुलाते इसका हेड ना श्रेयांश ने कस के घसीट दिया, और इसका ये हेड तो इसी से काम चला रहे हैं अभी हम लोग। और हम लोग अब पूरे बैलून फुलाने के बाद ही मिलेंगे। गाइस हम लोग अब डेकोरेशन करने जा रहे हैं, भाई को अभी हम लोग ने भनक तो लगने नहीं दी है। ओ दोनों मेरे भाई, नौकरी लड़का भी आ गया मेरा, और श्रेयांश, वो दोनों लेने गए हैं अभी ऊपर बैलून। देखने आते हम लोग अंदर के कमरे में, मतलब आपको रूम टूट गया तो आप लोगों को पता होगा, अंदर के कमरे में हम लोग डेकोरेशन स्टार्ट कर देंगे। जितने भी चार पाँच लोग हैं हम लोग अब जा रहे हैं केक लेने। मम्मी से बोल दिया, मम्मी ने फिर पैसे दे दिए, मम्मी हो तो मेरी देसी, उसके बाद फिर से पैसे दे दिए। अब हम लोग इस रूम में बाकायदा पूरा डेकोरेशन करें। इस वाली दीवार में रहेंगे बैलून, और इस वाली दीवार में पहले तो हम नीचे कर रहे थे, बट उसमें मम्मी कह रही इसी में करो, इसमें रहेंगे, और इस वाली दीवार में नहीं रहेगा शायद, सिर्फ इस वाली दीवार में रहेगा। जैसा भी होगा आप लोग को देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग डेकोरेशन स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सारी तैयारी हो चुकी है, और 12 बज भी चुके हैं, और हम लोग देर हो रहा है। ये मेरा भाई व्लॉगिंग कर रहा है मेरे साथ, जल्दी से हम लोग ये करते हैं। श्रेयांश पकड़ो कैमरा, हम लोग अभी जल्दी भाई को बुलाने जाएंगे, उसको हमें लगता है आइडिया लग चुका होगा, इतना शोर हो रहा है। ये हमने केक मंगाया था, ये देखिए और ये देखिए गाइस, उधर से वो चालू कर दो स्विच, सो जाके श्रेयांश। ए ओ दादा को लगना चाहिए कि कुछ हुआ ही नहीं। ये देखिए गाइस अभी इधर बढ़िया डेकोरेशन हो गई, अभी लाइट बंद है, आते होंगे। यहाँ पे मेरे दादा आ चुके हैं। गाइस दादा आने वाला है, जैसे तो लोग जानते हैं आने वाला है, कैंडल से आ रहे हैं, जल्दी गाइस जल्दी 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 आने वाला है। आने अभी आया नहीं है, जब आएगा तो हम लोग आ चुका है दादा। अरे वाह तुम लोगों ने रूम बहुत तगड़ा सजाया है। दादा हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू वेरी मच। गजिया बनाएंगे, गोरिल्ला कौन है, उल्टी बेल्ट लगा दी क्या? अबे चलाओ जल्दी, ये देखो इधर इधर लगाओ, पापा को जगाओ, पापा को जगाओ।
भाई का बर्थडे होने जा रहा है रात के 12 बजे। हाँ, तेरा हैप्पी बर्थडे हो, तेरा हैप्पी बर्थडे ले भाई मम्मी। हम लोग का मिशन सक्सेसफुल हो चुका है तो हम लोग अब 2 मिनट बाद मिलते हैं। अब सबका केक कटिंग हो जाएगी फिर हम लोग आपसे मिलते हैं। तो गाइस ये हम है, ये मेरी मौसी है, ये मेरी मौसी है, और ये हमारी पार्टी हो रही है। ये हम लोग पापा को उठा के आते हैं, मेरे पापा सो रहे हैं, अब मेरे मामा भी यहीं पे हैं। मसाला जड़े हैं मुंह में, खैनी गुटखा तम्बाकू हर चीज इनके मुंह में है। ये देखिए मेरे पापा सो रहे हैं, ज्यादा यहाँ सो नहीं करेंगे, रात में शूटिंग होना चालू हो जाएगी। हम लोग अंदर चलते हैं, अंदर बाहर लगाए बस। ये मेरे भाई कैंडी लगाने जा रहा हूँ मैं, यहाँ हमारी लो पाई होगी। हाँ पाई होगी, ये बुझ गई मम्मी, बुझ गई है बच्चे तो भर रहा बुला ले, भर रहा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो कल आपसे मिलते हैं। हमने जैसा कहा था 7 डेज रेगुलर मेरे ब्लॉग्स आएंगे, तो वो आएंगे आएंगे आएंगे। हम वो मेरी क्या बोलते हैं टेंशन कैसे आएंगे। तो सो बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं जल्दी।